मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सारे फेसबुक फ्रेंड्स, कैसे हैं? सॉरी दोस्तों, मैं अभी इस्लामाबाद जा रहा हूं तो ये मोटरवे के रास्ते पे हूं, इस वजह से अभी सिग्नल नहीं ठीक आ रहा है। अभी पहले जब बात हो रही थी तो मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मोटरवे पे जो मेरा वो मामला हुआ था लड़ाई का गैरत के नाम पर, उसमें से मैं बाहर आ गया हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने दुआएँ की। और सबसे बड़ी जो एक मैं आपको बात बताऊँ, हाय आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे जिन दोस्तों पे बड़ी उम्मीद थी, जिन लोगों ने हमेशा बड़े बड़े दावे किए, वो सब लोग भाग गए और उन्होंने सिर्फ अपनों के लिए किया और मुझे धोखे में रखा, ठीक है। और आज ही मैं अपने दोस्तों को बात बता दूं कि मैं आज जो बाहर आया हूँ, ये सारा और सारा सर मेरी बीवी ने मुझे जमानत पे बाहर निकलवाया। कोई बंदा अगर ये बात कहे कि मियाँ काशिफ जमीर की जमानत उसने करवाई है तो वो खुदा की कसम झूठ है। मुझे अपने बेटे की कसम, सिर्फ और सिर्फ जो जमानत है वो मेरी बीवी ने करवाई है और मेरी बीवी मेरे लिए एक फरिश्ता है। और मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ मुखलस हैं वो मेरे ये अख्तर भाई हैं, ठीक है। इनको सलाम इनकी वफादारी को, और ये मेरा दोस्त मेरी जान, ठीक है, काशिफ खान, जिसने पूरा साथ दिया। और ये अख्तर भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? अच्छा भैया ना, असल में जिंदगी में अच्छे दोस्त और मुखलस इंसान जो वही जिंदगी में इंसान का सरमाया होता है, और बहुत अच्छे हैं काशिफ भाई। देखें इन्होंने जिन दोस्तों की खातर कुर्बानियाँ दी, आज सब दोस्त भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर पहले भी बहुत एहसान थे काशिफ भाई के, और आज भी मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मैंने इनके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ। जब मुझे पता चला कि काशिफ भाई के ऊपर ये मसला है तो मैं फौरन दिन रात एक करके इनके साथ जो मेरे मुझसे हेल्प हो सकी मैंने की। करना तो मेरे अल्लाह की ज़ात ने था, लेकिन बारह जो हमारे बस में था हमने इनको पूरा सपोर्ट किया। और ये बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े मुखलस इंसान हैं, जिन्होंने बहुत बहुत कुर्बानियाँ जो उन दोस्तों के ऊपर इन्होंने दी, जिनके पीछे सब कुछ किया, आज वो लोग ही इनका साथ छोड़ के चले गए। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन इंसान को जो ना बुरी हरकतें और किसी के खिलाफ बातें ये नहीं करनी चाहिए। हर इंसान के ऊपर बुरा वक्त आ सकता है, आज इनके ऊपर है, कल को किसी और के ऊपर भी आएगा। कुछ लोग दोस्तों की गलत फहमी है कि हम उसकी जमानत करवा रहे हैं, हमने उसकी खातर ये किया, हमने उसको पैसे दिए, हमने ये किया, किसी ने कुछ नहीं किया। खुदा गवाह है और मैं गवाह हूँ, जो देखने वाला हूँ सब मैटर, कि इन्होंने अपने बलबूते पे जो भी किया और इनकी मिसेज ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी इनके लिए, दिन रात एक ही पैसा लगाया सब कुछ।